you know, it took about 2 million years for the human population to reach up to 1 billion, but it only took 200 years for the human population to increase from 1 billion as recorded in the year 1800 to 7.9 billion as recorded in the year 2020. Isn't it a dramatic change? Shouldn't it be a matter of concern? Well, hi guys, this is Harshika Singh, MBBS first year student and a proud member of RC MediQ, welcomes you to the concept of Log Kya Kahenge. So, as the title suggests, I, along with one of my co-hosts, will talk to some of the local people intending to know their views on the increased population problems, and will also try to bust some of the myths. So let's get into the video. पूरे दुनिया की population कितनी होगी? कुछ ideas? मुझे तो कुछ idea नहीं है. कुछ फिर भी? करोड़ सौ करोड़. सौ करोड़ तो नहीं है, लेकिन मेरे को और भी कुछ ज़्यादा ही रहेगा. अरे नेक ऐसा क्या बोलो? कुछ 100 करोड़, 200 करोड़, कुछ अंदाजा. कितनी जनता, कितने लोग होंगे इस पूरी दुनिया में? 2 करोड़. 2 करोड़. हमारी दुनिया की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ कुछ ऐसे है. भारत की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन कितनी है वो पता नहीं. मुझे नहीं मालूम. आपको नहीं पता? ठीक है, कोई अंदाजा फिर भी? लमसम वही 2-3 लाख. 3 लाख. चलो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ. 7 बिलियन, 1 बिलियन, 5 बिलियन. 5 बिलियन. नहीं, 7 बिलियन आंसर. आंसर है 7 बिलियन. आपके अनुसार किस देश की आबादी सबसे ज्यादा होगी? भारत. भारत दूसरे नंबर पे, चाइना एक देश है जो पहले नंबर पे आता है. दादा, आपको क्या लगता है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? तो अपना रहने का सुविधा नहीं रहता है, अपना नौकरी का प्रश्न है. बहुत परेशानी हो रही है ना बेटा, अभी बच्चे लोग को कॉलेज स्कूल में पढ़ाने के लिए तो कितनी फीस वगैरह भरनी पड़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए बहुत 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 परेशानी हो रही है सबको. हम लोगों को तो जाते ज़्यादा हो रही है. आप हमारे यूथ हो, तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से? हमें समय से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लाइट की दिक्कत, यातायात साधनों की दिक्कत, समय से इधर उधर पहुँचने की दिक्कत, ऐसे भी प्रॉब्लमें आती हैं. बहुत कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन की दिक्कत होती है. यहाँ पर ना पढ़ाई लिखाई की भी दिक्कत होती है. लोग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम जनता को भी नौकरियाँ नहीं मिलती, हम जैसे पढ़े लिखे को भी नौकरियाँ नहीं मिल पाती हैं, और ऐसे खाने पीने के लिए भी दिक्कतें आती हैं. ऐसे बहुत सारे हैं कि दिक्कतें आ सकती हैं, आती रहती हैं. आपको क्या लगता है कि आपके स्कूल में जो करिकुलम प्रोवाइड किया गया था उसमें सेक्स एजुकेशन और कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, या फिर लगता है कि कुछ सुधार किया जा सकता है? नहीं, हमें स्कूल में ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिखाई नहीं गई, लेकिन मुझे लगता है कि टीचर्स ने स्कूल में ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए बच्चों को कम एज में, और वो भी बिना कोई ऑकवर्डनेस के. नहीं तो वो नेट से, इंटरनेट से मिसलीडिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिले, तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉपर सोर्सेज से ही मिले. Since there are a lot of misconceptions on the topic like contraception, tubectomy and vasectomy, so we tried to talk to some of the medical students who will try to bust all the persistent myths on these topics. कई लोगों को लगता है कि गर्भ निरोधक के इस्तेमाल से बर्थ डिफेक्ट्स, दैट इज जन्म दोष की संभावनाएं बहुत ज्यादा है. डॉक्टर्स के अनुसार गर्भ निरोधक के इस्तेमाल से नगर जन्म दोष होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, ना के बराबर ही मानी जाती है, लेकिन कुछ प्रकार की गर्भ निरोधक की वजह से कभी कभी थोड़ी जन्म दोष पाई जा सकती है. बहुत सारे लोगों से ये भी सुनने में आता है कि गर्भ निरोधक के इस्तेमाल से महिलाओं के वजन में बढ़ोतरी दिखती है, तो क्या ये भी सही है? अधिक गर्भ निरोधक की वजह से वजन में बढ़ोतरी नहीं होती, लेकिन कुछ प्रकार के गर्भ निरोधक जैसे कि दवाइयों की वजह से कभी कभी वजन में बदलाव हो सकता है. हमेशा याद रखिए कि गर्भ निरोधक लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें और पूरी जानकारी पाकर ही गर्भ निरोधक चालू करें. ट्यूबेक्टोमी एक प्रोसीजर है जिसमें फेलोपियन को इधर कट या ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे एग्स यूट्रस में नहीं पहुंच पाते और प्रेगनेंसी नहीं होती है. जैसे कि ट्यूबेक्टोमी में फीमेल जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं. ये जो बात है ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ट्यूबेक्टोमी में सिर्फ फेलोपियन को इधर कट या ब्लॉक किया जाता है, बट बाकी के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं. ट्यूबेक्टोमी के प्रोसीजर में लोगों को लगता है कि जो एग का प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा, कैसा होता है?
ये भी एक अफवाह है, क्योंकि प्यूबर्टोमी के प्रोसीजर के बाद भी ओवुलेशन होता है और एग रिलीज होता है, वो सिर्फ यूट्रस में नहीं पहुंच पाता है। प्यूबर्टोमी कराने के बाद लोगों को लगता है कि उनको एसटीडी नहीं होगा। प्यूबर्टोमी के बाद भी हमें कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एसटीडी होने की चांसेस उतनी ही रहती है। प्यूबर्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें लोगों को ये डर लगता है कि बॉडी में इम्बैलेंस आ जाएगा, वेट बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा, गेन हो जाएगा, हार्मोनल चेंजेस आने लगेंगे। प्यूबर्टोमी से रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें हैं, बट बॉडी इम्बैलेंस या वेट के चेंजेस को लेके बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ऐसा इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं पाया गया। क्या प्यूबर्टोमी इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल? प्यूबर्टोमी रिवर्सिबल है, बट इस प्रोसीजर को उन्हीं को ऑप्ट करना चाहिए जो श्योर हों कि उन्हें आगे फ्यूचर में जाके और बच्चे नहीं करने हैं, और तभी उन्हें ये प्रोसीजर कराना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजर को रिवर्स करने में बहुत सारी दिक्कतें और कॉम्प्लिकेशन होते हैं। थैंक यू। वैसे तो में एक ऐसी प्रोसीजर है जहाँ पे ब्रास डिफरेंस को कट किया जाता है और जो स्पर्म का पाथ होता है वो ब्लॉक किया जाता है, जिसके कारण स्पर्म सीमेन में होते नहीं और फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। वैसेक्टोमी को लेकर बहुत सारी गलत फहमी है जनता के बीच में, जैसे कि बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर पेन स्लाइट पेन से नो पेन के रेंज में आता है, इसमें दर्द नहीं होता और प्रोसीजर के वक्त एनेस्थीसिया सेडेटिव्स दिए जाते हैं। ऑल्सो स्कैल्पेल का इस्तेमाल नहीं होता है और मिनिमम इन्वेजन होता है इस प्रोसीजर, सो पेन नहीं होता। लोग ये मान के चलते हैं कि वैसेक्टोमी करवाने से प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले माना जाता था, बट जो कैंसर के केसेस होते हैं और वैसेक्टोमी करवाई जाती है उनका कोई कोरिलेशन पाया नहीं जाता, तो ये भी अफवाह है। लोगों को लगता है कि इसके द्वारा हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बनने बंद हो जाएंगे, उनका मैनलीहुड चला जाएगा। हाँ, सो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में आपके जो टेस्टिस है वो इंटैक्ट रहते हैं, उनका फंक्शनिंग पूरा नॉर्मल होता है। आपका मैनलीहुड डिपेंड करता है आपके मेल हार्मोन से, एंड्रोजन से, तो उनका सिक्रेशन एज इट इज़ बना रहता है, आपकी सेक्स ड्राइव वैसी रहती है, आपका लिबिडो और सेक्सुअल डिज़ायर का कोई मैग्नीट्यूड कम नहीं होता। लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल। ये प्रोसीजर रिवर्सिबल है, बट ये रिवर्सिबल है ये सोच करके प्रोसीजर को कभी भी ऑप्ट नहीं करना चाहिए। करने से पहले बहुत सोचना चाहिए कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है, ये सोच करके ये प्रोसीजर ऑफ करनी चाहिए, क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी के रेट्स कम है और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। और उसी से कंटिन्यूशन पॉइंट, जनरली लोग रिवर्सिबल इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको बच्चा करना होता है लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में, बट उसका कोई और ऑप्शन भी होता है, क्योंकि टेस्टिस आपके स्पर्म्स फिर भी बनाना जारी रखते हैं, तो IVF के द्वारा यू कैन हैव बेबीज। पॉपुलेशन इंक्रीज के ऊपर आपको क्या किसी गवर्नमेंट पॉलिसी जो आप तक पहुंची हो, आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है? पॉलिसी तो बहुत सारी है और मालूम भी हुई है, मैंने की भी हो और कुछ लोग नहीं भी करे, क्योंकि उनके हालात ऐसे नहीं हो जो पॉलिसी में भरे पैसे और खुद का जो घर में खर्चे होते हैं उनके लिए उतने पैसे भी तो चाहिए ना करने के लिए, इसकी वजह से वो नहीं कर पाते और वो आगे जाके परेशानी में रह जाते हैं। सरकार तो हमेशा न्यूज़ चैनल, बसों में, ट्रेनों में ऐसे बहुत सारे बैनर्स लगा के रखते हैं कि हम दो, हमारे दो, दो से ज़्यादा होने नहीं चाहिए, क्योंकि फिर पढ़ाई लिखाई की दिक्कतें होती हैं, गरीब आदमी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता, ऐसे बहुत सारे रहते हैं दिक्कतें, लोग सुनते नहीं हैं। आपके गांव में, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, तो आपको लगता है कि उनको कोई नॉलेज है कि कितने बच्चे करने चाहिए? उनको हमारे हिसाब से तो जैसे हम दो, हमारे दो, कम से कम छोटा परिवार होना चाहिए, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने से प्रॉब्लम और बढ़ती है, इसलिए छोटा परिवार रहेगा तो अच्छा रहेगा। बट जो गांव के गरीब लोग होते हैं उनको क्या आपको लगता है कि ये पता है इसके बारे में कि क्यों कम बच्चे करने चाहिए? इसको तो पता नहीं, उन्होंने तो बस पैदा करते हैं, मतलब दो तीन चार पाँच। अभी तो हाल में हम तो हमारे दो होने चाहिए, फिलहाल में दो या तीन बस ज़्यादा, हमारे हिसाब से दो बच्चे। दो बच्चे, ठीक है। मैम आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो तीन है, तभी तो आबादी कम करो बढ़ाओ ऐसा तो कुछ ही नहीं था। अच्छा, आप क्या लगता है कि कितने बच्चे होने चाहिए? दो, एक से दो। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। एक। सर आपकी शादी हुई है? हाँ जी, मेरी शादी हो चुकी है। तो बच्चे कितने हैं आपके? अभी तो फिलहाल नहीं है मेरे बच्चे। तो कितने करने की प्लानिंग है? हम अपने बच्चे को एक से या दो से ज़्यादा की प्लानिंग नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते हैं। जी, आपको क्यों लगता है कि हमें आबादी कम करने की तरफ कुछ काम करने चाहिए? तीन तीन ही है, इसको कम करो,
तीन की जगह दो, दो की जगह एक करो, बस लोकसंख्या भी कम हो जाएगी।